எனக்கு அருமையானவர்களே, மரிய பிரிய பரமேஸ்வர் கே லோகோ, இந்த நாளில் உங்களை சந்திப்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இஸ் தின் மே ஆப்சே ஹம் முலாகாத் கர்னே மே பஹத் குஷ் ஹேன். இந்த நிகழ்ச்சியை ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமை பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் கிறிஸ்துவின் வாழ்த்துதலை சொல்கிறேன். தோ மசிஹி கி பதாயியோ கோ ஜோ பி இஸ் காரியக்ரம் கோ ஹர் ரோ ஹர் ஹஃப்தே தேக் ரஹே ஹேன் லகாதார் உன்கோ மே தேனா சாஹுங்கா. இந்த நாளிலும் இஸ் தின் மே பி நீங்கள் அநேகர் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்க போகிறீர்கள். ஆப் பஹத் இஸ் காரியக்ரம் கோ தேக்னே வாலே ஹேன். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். பரமேஸ்வர் துமே ஆஷிஷ் கரேங்கே. நாம் எல்லாரும் கண்களை மூடி ஜபம் பண்ணுவோம். சபி மில்கர் ஆக்கு கு பந்த் கரேங்கே ஒரு பிரார்த்தனா கரேங்கே. எங்கள் அன்புள்ள ஆண்டவரே, ஹமாரி பிரிய பிரபு, இந்த நாளுக்காக ஸ்தோத்திரம். இஸ் தின் கே லியே தன்யவாத். இந்த நாளிலும் இஸ் தின் மே பி துதி ஆராதனை ஆசீர்வதியும் ஆப் இஸ் தின் கி ஸ்துதி ஆராதனா கோ ஆஷிஷ் கர்னா. செய்தி வேலையை ஆசீர்வதியும் சந்தேஷ் கே வக்த் கோ ஆஷிஷ் கர்னா. கடைசியில் ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலும் ஒரு அற்புதத்தை செய்து அனுப்பும் பரமேஸ்வர். ஆகிர் மே ஹர் கிசி கி ஜிந்தகி மே ஆப் ஏக் சமத்கார் கோ கர்னா ஔர் பேஜ்னா. நீர் அப்படி செய்வீர் என்று விசுவாசிக்கிறேன் பரமேஸ்வர். ஆப் ஏசே கரோகே யே மேரா விஸ்வாஸ் ஹை. இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, இயேசு கே நாம மே பிதா, ஆமென் ஆமென். எனக்கு அருமையான உள்ளே, மிகப் பிரிய லோகம், தொடர்ந்து கர்த்தரை ஆராதித்து பிறகு நாம் செய்திக்குள் கடந்து செல்லலாம். லகாத்தார் ஹம் பரமேஸ்வர் கி ஆராதனா கரேங்கே ஔர் பாத் மே சந்தேஷ் கி ஔர் ஹம் ஜாயேங்கே. Praise the Lord. इस दिन में भी आप सभी को देखने में हम बहुत खुशी होते हैं. इस रविवार के दिन में भी हम सब परमेश्वर की आराधना करने के लिए आए हैं. तो आज के दिन में भी हम परमेश्वर की गीतों को गाने वाले हैं और परमेश्वर की महिमा करने वाले हैं. परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी जो सहायता पर्वत और जो परमेश्वर से आती है, मेरी जो मदद है, मैं पर्वत की ओर देखता हूँ और वहाँ से मेरी जो मदद आती है. अंडर वसलम से लेकर कुत्ता से वरुण पर्वत நீராக என் கண்களை நான் பார்க்குறேன். நம்மளுக்கு வந்து உதவி நம்மளுக்கு வந்து வெறும் ஆண்டவர் மட்டும்தான். இந்த உலகத்தில் வேறு எந்த உதவியும் நம்மளுக்கு எங்கெந்துமே வராது. அவர் நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலைன்னா, அவர் நம்மளுக்கு உதவி செய்யலைன்னா வேறு யாருமே நம்மளுக்கு உதவி செய்ய முடியாது. யதி பரமேஸ்வர் ஹமாரி மதத் நீ கர்த்தே ஹே தோ ஔர் கோய் இஸ் துனியா மே ஹமாரி மதத் நீ கர் பாயேங்கே. தோ ஆயே சப் மில்கே तो उन गीतों को गाएंगे. अभी भी हम परमेश्वर की स्वागत करेंगे. हम एक सेकंड के लिए हम दोनों हाथों को उठाएंगे, आँखों को बंद करेंगे और परमेश्वर को बोलेंगे, परमेश्वर आज हमारे बीच में आना. आज इस आराधना में तुम्हारी महिमा होनी चाहिए और इस आराधना के द्वारा मुझे आशीर्वाद मिलना चाहिए करके हाथों को उठा के हम परमेश्वर की ओर देखेंगे. कनगले मोड़ी और रसी नम आंडरों की पात्र आंडर वर्वे क्लमा. सब जोर से ताली बजा के इन कुत्ता से मारो पर्वतम निराय इन कंगल ने रेडुके इन कुत्ता से मारो पर्वतम निराय इन कंगल ने रेडुके वाहन भूमि पड़ता बल दे பூரி கண்டியும் மலைகள்
से ताली बजा के हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। परमेश्वर हमारी जो आने और जाने में हमें हमारी सुरक्षा करता है, वो कभी सोए बिना हमारी मदद करता है, रात और दिन हमारी देखभाल करता है। तो इरवु पगल अवर नमलो नमल पादुकाकर पोकिन वरतिल अवर नमल पादुकाकर एलो नल देवनाय नवरिका। और एक गीत को हम गाएंगे, आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। परमेश्वर आदि और अंत है और वही शुरुआत है और वही अंत है। आवरदा सो तोड़कमु मुड़ियुमाय आंडव रखिरा। सो इस दिन में भी हम और एक गीत को गाएंगे, आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। परमेश्वर से हमें बुद्धि मिलती है, ज्ञान मिलती है और परमेश्वर तो परमेश्वर से हमें सब कुछ मिलता है। तो परमेश्वर जैसे हमसे हर एक दिन चलाते हैं, जैसे हमें संभालते हैं, उसके द्वारा हम जान पाते हैं कि परमेश्वर कितने अच्छे हैं और हमारे ज़िंदगी में कितने भलाई को हमारे किए हैं करके। तो आइए इस गीत को भी जोर से ताली बजा के हम मिलकर गाएंगे। ये सब खुशी के साथ ताली बजा के इस गीत को गाएंगे। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तो ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू सच्चा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति तो ही है, बुद्धि और ज्ञान तो ही है। दूतों की स्तुति तो ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तो ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू सच्चा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है।
जीवन मेरा पापों से भरा, जग अंधेरा शुदा के साथ। जीवन मेरा पापों से भरा, जग अंधेरा शुदा के साथ। मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है, मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। राज करने को नाय करने आने वाला है, नाय के साराज करने को हो। धर्मियों को लेकर नाय से सिंहासन पर राज करेगा, धर्मियों को लेकर नाय से सिंहासन पर राज करेगा। हालेलुया, वो दूतों की स्तुति है, वो स्तुति की योग्य है और आदर की योग्य है। अभी भी हम सब दोनों हाथों को उठा के हम परमेश्वर की ओर देखेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु परमेश्वर आज तुम सभी को देख के बोलते हैं कि प्रभु की प्रतीक्षा करो, दृढ़ रहो और साहस रखो। प्रभु की प्रतीक्षा करो, जब हम प्रभु की प्रतीक्षा करेंगे हमारे ज़िंदगी में बहुत बड़ी जो क्रिया को परमेश्वर करेंगे। पर हम चाहे रास्ता भटक के हुए रह सकते हैं या फिर किस मार्ग में जाना है करके हम एक प्रश्न के साथ रह सकते हैं, तो परमेश्वर कहते हैं कि तुम मेरे इंतज़ार कर, मेरी प्रतीक्षा कर, दृढ़ रहना और सांस रखना, मैं तुझे छुड़ाऊँगा करके। जलालीन अंडर का अंडर नो की पाखला अंडर வந்து உங்கள் வாழ்க்கையில் பெரிய காரியங்களை செய்வான்னு சொல்கிறாரு. எனக்காக நீ காத்துருது, நீ வந்து நம்பிக்கையோடு இரு, தைரியமாக இரு, நான் உன் வாழ்க்கையில் பெரிய காரியங்களை செய்வேன் என்று பரமேஸ்வர் கிளியே நம்ம இன்தார் கரேங்கே. தோ பரமேஸ்வர் ஹமாரே லியே எக் மார்க் கோ கோலேங்கே, கியூகி வோ சர்வ சக்திமான் பரமேஸ்வர் ஹே, ஆர் வோ யாக்கூப் கா பரமேஸ்வர் ஹே, ஜோ ஹமாரா ஜோ சஹாத் ஹமாரே சாத் ஹே. வோ ஹமே ஹமாரே லியே எக் மார்க் கோ கோலேகா, ஆர் ஹமாரே லியே ஹமாரி ஜிந்தகி மே ஹமே ஹமாரே பரிவார் மே எக் பஹுத் படி சமத்கார் கோ கரேகா. அவர் நம்ம அவர் சப் சர்வ வல்லமை உள்ள தேவன், அவர் வாழ்க்கையில் நம்ம குடும்பத்தில் பெரிய காரியங்களை செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார். ஸோ லோனோ ஆத்துக்கு உட்காக்கி நம்ம உஸ்கி ஓர் தேக்கிங்க, வோ ஜோ நாமுன்கின் சீஸோ ஹே உசே முன்கின் கர்த்தா ஹே. அசாத் எல்லாம் முடியாத காரியங்கள் எல்லாத்தையும் ஆண்டவர் வந்து முன்னேறி அதை வந்து செய்கிற வல்லமை உள்ள தேவனாக இருக்கிறார். ஸோ தோனோ ஹாத்துக்கு உட்காக்கி நம் பரமேஸ்வர் கி ஓர் தேக்கிங்க, ஹம் ஆஜ்கே தினமே பி பரோசே கே சாத் ஹம் பரமேஸ்வர் கி ஓர் தேக்கிங்க, பரமேஸ்வர் ஹமாரே லியே எக் மார்க் கோ கோலேங்க. சாத்தியமே தேவா உந்தன் வாத்தியலே, அசாத்தியங்கள் சாத்தியமே தேவா உந்தன் வாத்தியலே. அசையாத மலை கூட புயல் கூட அமர்ந்திடுமே, அசையாத மலை கூட
तू ही जरिया है प्रभु,
परमेश्वर तुम्हारी आराधना करते हैं हम इस वक्त में, परमेश्वर तुम्हारी नाम की उछा करते हैं इस वक्त में। जो भी बच्चे तुम्हारी आराधना कर रहे हैं, जो भी बच्चे तुम्हारी ओर देख के पुकार रहे हैं, उनकी विनती को सुन के परमेश्वर, उनकी जो चाहत को सुन के उनकी ज़िंदगी में एक चमत्कार को करना। जो भी रास्ते में भटके हुए हैं, जो भी तकलीफ़ के साथ हैं, जो भी परेशानी के साथ हैं, उनके हर परेशानी को और हर जो तकलीफ़ को आप जानते हो, हर बीमारी को आप जानते हो, तो इस वक्त में परमेश्वर उनके जो विनती और जो परेशानी और जो भी बीमारी है और जो भी संकट के साथ हैं, उनके सारे संकट को दूर करके परमेश्वर उनकी ज़िंदगी को आप आशीष करना, आप एक छुटकारे को देना। इस वक्त में जो भी बच्चे मिलकर आराधना कर रहे हैं, उस जगह में आपकी जो महिमा उतर गया है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। तुम्हारी जो पवित्र आत्मा उधर है करके हम धन्यवाद करते हैं। जहाँ पवित्र आत्मा है वहाँ छुटकारा है करके आपका जो वचन कहता है। इस वक्त में जहाँ से भी बच्चे आराधना कर रहे हैं, उस जगह में आपकी जो सामर्थ उतर गया है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपने छुटकारे को दे दिया है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। सारी जो बंधन से उनको छुड़ा के आप उनकी ज़िंदगी को आशीष करके, उनके नाम को उछा करके परमेश्वर ऊंचे स्थान में रखने वाले हो, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। लगातार उनसे वचन के द्वारा बात करना, जो आराधना को तुम्हारे हाथों में समर्पित करके प्रार्थना करते हैं हमारे अच्छे पिता। आमेन। எனக்கு அருமையானவர்களே, மேரி பிரிய பரமேஸ்வர் கே லோகம், இந்த நாளிலும் இஸ் தின் மே ஒரு விசேஷமான செய்தி நாம் கேட்டு நாம் ஜெபிக்க போகிறோம். இஸ் தின் மே ஏக் விசேஷ சந்தேஷ் கோ ஹம் சுனேங்கே ஔர் பிரார்த்தனா கரேங்கே. இந்த நாட்களிலே இன் தினோ மே சில காரியங்களை நான் பார்த்ததின் நிமித்தம், குச் சீஸோ கோ மேனே தேகா இஸ் வஜஹ சே, அதற்கு ஏற்ற ஒரு செய்தியை மக்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்ற ஆர்வம் எனக்குள் வந்தது. और मुझे मेरे अंदर ये इच्छा हुई कि उसके अनुसार स्थिति के लिए एक संदेश देना है मुझे. இந்த நாட்களிலே சபைக்குள்ளும் சபையிலே வெளியிலும் பிசாசு பயன்படுத்துகிற ரெண்டு காரியங்களை நான் பார்த்தேன். तो मैंने शैतान जो है कलीसिया के अंदर और बाहर दो चीजों का प्रयोग करता है. ஒன்று एक जो है பயம் என்ற ஒரு ஆயுதம், डर नामक एक हथियार. இரண்டாவது दूसरा जो है கவலை என்ற ஆயுதம், சிந்தா நாமக एक हथियार. இந்த கவலை கூடு அதுக்கு வருவதற்கு காரணம் ஸ்ட்ரெஸ், மன அழுத்தம் என்றும் உலக மனிதர்கள் சொல்லிக் கொள்கிறார்கள். तो दुनिया के लोग कहते हैं कि चिंता आने का वजह दबाव के वजह से होता है, इस वजह से चिंतित लोग होते हैं. இந்த ரெண்டும் சாத்தானுடைய ஒரு முக்கியமான ஆயுதம் என்பதை ஆதியிலிருந்து நாம் பார்க்க முடியும். तो ये दोनों चीजें जो हैं शैतान की हथियार बनकर शुरुआत से हैं. ஆக எனக்கு அருமையானவர்களே, मेरे प्रिय जनों, ஒரு பயச்சோடு இந்த செய்தியை நீ ஒருவேளை பார்த்து கொண்டிருக்கலாம். கபிகபார் ஆப் डर के साथ आप देख रहे होंगे. இல்லாவிட்டால் கவலை நிறைந்த மனது இதயத்தோடு இந்த செய்தியை பார்க்கலாம். या फिर ऐसा हो सकता है कि आप चिंतित होकर मन में व्याकुल होकर आप इस संदेश को देख रहे होंगे. இந்த இரண்டிலிருந்தும் இன் दोनों में से நாம் விடுதலை பெற்றுவிட்டால், यदि हम मुक्त होते हैं, ஒரு வெற்றி உள்ள வாழ்க்கை நாம் வாழ முடியும். एक जयवंत जिंदगी को हम जी सकते हैं. இதுதான் என் உள்ளத்தில் வந்த ஒரு பாரம். अब ये बोझ मेरे मन में आने लगा. என கர்மியானவர்களே, मेरे प्रिय लोगों, the fear and the worry it will cripple your success. तो तुम्हारी अंदर की उस सफलता को ये दोनों बातें जो हैं, यानी डर और जो चिंता जो है, वह निचोड़ देती हैं. This fear and worry it will paralyze you from one stage to the next level. तो तुम्हारे आगे बढ़ने के उस कार्य को ये जो डर और चिंता जो है मिलकर वो पूरी तरह से नाकाम कर देती हैं. நீ எந்த ஒரு துறையிலும் இருக்கலாம், आप चाहे कोई भी एक एरिया में रहे, நீ எப்படிப்பட்ட வேலைகளையும் செய்யலாம், आप कोई भी प्रकार के काम को करें, ஆனா இந்த ரெண்டும் உன் வாழ்க்கைக்குள் புகுந்து விட்டால், यदि ये दो चीजें तुम्हारे जिंदगी में घुस जाती हैं, you will lose your success. आप अपनी सफलता को खो देंगे. You will never achieve anything in your life. आप अपनी जिंदगी में कोई भी विषय में आप उसे ना ही पा सकते हैं या सफल हो सकते हैं. நீ படிக்கிறவனா இருந்தால், यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, பயமும் கவலையும் உன்னை வந்துவிட்டால், நீ படிப்பிலே முன்னேறி
நீ நினைச்ச காரியத்தை சாதிக்க முடியாமல் போய்விடும். यदि डर और चिंता यदि आपके अंदर आ जाती है तो आपने जिस चीज की बारे में पढ़ाई करना है आगे बढ़ना है जो आपने सोचा है उस कार्य को आप पूरा नहीं कर पाएंगे. நீ பிசினஸ் பண்ணுகிற மனுஷனா இருந்தால் யாரா இருந்தாலும் இந்த கவலையும் இந்த பயமும் உன் வாழ்க்கையிலே உன்னை அழுத்துகிறது என்றால் நீ உன் பிசினஸ்லே எட்ட வேண்டிய லட்சம் அந்த லெவலை நீ அடைய முடியாது. தோ எதி ஏ சிந்தா ஓர் दुख ये चिंता और डर रहेगा. आप चाहे व्यापार करें या कोई भी विषय में बिजनेस में आप रहे पर आप जिस लक्ष्य को पाना चाहते हैं जिस जहां तक जाना चाहते हैं वहां पहुंच नहीं पाएंगे. मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों तो इस बात को गौर से देखना है. आप कोई भी स्थल में कोई भी कार्य को करें நீ இந்த பயத்தையும் இந்த கவலையையும் மேற்கொள்ளுகிற ஒரு ஸ்டேஜுக்கு நீ வர வேண்டும். தோ தும்ஹே இஸ் தோனோ பாத்தோ கோ யானி டர் ஆர் சிந்தா கோ ஜீத் கர் உஸ்கே ஊப்பர் தும்ஹே ஆனா ஹை. நீ ஆண்டவருடைய பிள்ளையாயனால் யதி ஆப் பரமேஸ்வர் கே பச்சே ஹோ ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே நீ பிரகாசிக்க வேண்டுமானால் இந்த இரண்டிலிருந்து நீ வெளியே வந்தாக வேண்டும். யதி ஆப் ஆத்மிக் ஜீவன் மே आप रोशनी देना चाहते हैं चमकना चाहेंगे तो इन दोनों बातों में से तुम्हें बाहर निकलना है. நீ ஊழியம் செய்ய வேண்டுமானால் यदि आप सेवा करना चाहे if you want to do a successful ministry यदि आप सफल सेवा को पूरा करना चाहे you must be a overcomer of this fear and worry तो आपको इस चिंता और इस डर को जर के ऊपर जयवंत होकर जीत को हासिल कर इसके ऊपर हावी होना. எந்த ஒரு காரியத்தை எடுத்தாலும் அப்படிதான். आप चाहे कोई भी विषय या कार्य को ले लें. ஆகவே தான் இந்த காரியத்தை குறித்து தெளிவாய் ஒரு ஸ்டடி உனக்கு தேவைப்படுகிறது என்பதை வேதமும் சொல்கிறது ஆண்டவரும் சொல்கிறார். तो परमेश्वर और बाइबल आपसे यही कहता है इस विषय के प्रति आप सही समझ या जानकारी को पा लें. வேத பண்டிதர்கள் சொல்கிறார்கள். பைபிள் के जो पंडित हैं वे कहते हैं. வேதத்திலே दुनिया பைபிள் में 366 முறை பயப்படாதே என்ற வார்த்தை அடங்கிய காரியம் வந்திருக்கிறது என்று சொல்கிறார்கள். तो பைபிள் के पंडित ये कहते हैं कि मत डरना मत इस कार्य को इस पद का उपयोग 366 टाइम किया गया है. येन क्यों வருடங்கள் 365 நாட்களை உடையதாக இருக்கிறது. क्योंकि एक साल में 375 दिन होते हैं. ஆனால் லீப் ஆண்டு சொல்லப்படுகிற அந்த ஆண்டு 366 ஆண்டுகளை நாட்களை கொண்டதாய் மாறி விடுகிறது. लेकिन जब லீப் ईयर आता है तो उस दिन में एक दिन ज्यादा बढ़कर 366 बन जाता है. ஆகவேதான் பயப்படாதே என்ற வார்த்தை 366 ஆக இங்கே வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதாக வேத பண்டிதர்கள் சொல்கிறார்கள். तो इस वजह से उन दिनों को भी गिनती में रखकर तकरीबन पंडित कहते हैं कि 366 टाइम्स मत डर इस शब्द का प्रयोग किया गया है. பயம் डर जो है நம்முடைய கவலையும் और चिंता जो है ஏன் வருகிறது क्यों आता है அந்த பயத்தை மேற்கொள்வதற்கு வேதம் என்னத்தை கற்றுக் கொடுக்கிறது. பைபிள் हमें क्या सिखाती है जिससे हम इस डर से बाहर निकल पाए. கவலையை மேற்கொள்வதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும். चिंता से यदि बाहर निकलना है तो क्या करना है. குறித்து इसके बारे में நாம் சில காரியங்கள் நிறைய விஷயங்களை நாம் கற்றுக்கொள்ள போகிறோம். हम बहुत सारी चीजों को सीखेंगे. அதிலே சில காரியங்கள் என் உள்ளத்திலே ஆண்டவர் வைத்த சில காரியங்களை உங்களுக்கு சொல்கிறேன். तो मेरे मन में जो परमेश्वर ने रखा है उन चीजों को मैं आपके पास बांटना चाहूंगा. முதலாவது பயம் எதை விளைவை கொண்டு வருகிறது. तो पहली बार डर का परिणाम क्या है அதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். उस बात को हमें समझना है. What will be the negative result from the fear तो डरने से एक बुरा परिणाम क्या होता है. நல்ல புரிந்து கொள்ளுங்கள். ध्यान से सुनिए. நீங்கள் குறித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள். आप इसे लिख कर रखिए. திரும்ப திரும்ப இந்த செய்தியை கேட்டு நீங்கள் ஆராய்ந்து பாருங்கள். आप इस संदेश को दोबारा सुनिए और जांच कर देखिए. 100% I believe you can come out and you can be a overcomer of this fear and worry. तो मैं विश्वास करता हूं 100% कि आप यहां से बाहर निकल सकते हैं. आप अपनी चिंता और डर से जीत को पाकर मुक्त हो सकते हैं. பயம் डर जो है ஏன் சாத்தான் கொண்டு வருகிறான் क्यों शैतान लाता है.
அந்த பயம் எப்படி வந்தது? அப் யே டர் கேசே ஆயா? அந்த பயம் மனுக்குலத்தை எப்படி அழிக்கிறது? யே டர் இன்சானியத் கோ கேசே மிட்டாதா ஹை? என்னென்ன காரியங்களிலே பயத்தை மனிதனுக்குள் விதைச்சு விதைக்கிறான்? தோ ஷைத்தான் கின் பாத்தோம் கோ बोता है मनुष्य के मन में हृदय में நல்லா புரிந்து கொள்ளுங்க तो इस बात को समझना இது முதல்ல தெளிவா புரிஞ்சுங்க पहले इस बात को समझ लीजिए fear and worry is the very powerful weapon of satan तो डर और चिंता ये दोनों जो कार्य है शैतान के बहुत शक्तिशाली हथियारों में से है இத நீ ஓவர்கம் பண்ண பழகிட்டேனா यदि हम इसे जीत ले या जयवंत होने के लिए सीख ले this overcoming thing it will not come overnight ab jayvant hona jo hota hai ye ek hi din mein ek hi raat mein nahi hota but we have to learn lekin hame ise seekhna hai and we have to and then we have to practice aur use abhyas karna hai then you can be overcome tab hum isme jayvant ho sakte hain anala vedam solugirathu vachan kehta hai paul solumod solugira paulus jab kehte hain to naan edarku bayapada maten main kisi se डरूंगा नहीं தேவனுடைய அன்பை விட்டு என்னை அதுவும் பிரிக்க முடியாது பரமேஸ்வர் கி இஸ் பிரேம் से कोई भी बात मुझे अलग नहीं कर पाएगी நாம் முற்றிலும் முற்றிலும் ஜெயமுள்ளவர்களாய் இருக்கிறோம் मैं पूरी तरह से जयवंत हूं ஆங்கிலத்தில் இன்னொரு ட்ரான்ஸ்லேஷன் எப்படி சொல்லுகிறது अंग्रेजी के एक ट्रांसलेशन में कहा गया है वी आर मोर देन कॉन्करर्स हम जो है जयवंतों जयवंत होने वालों से भी अधिक हैं we are more than the overcomer another translation और says dusra ek translation kehta hai ki hum jayvant hone walon mein se bhi badh kar rahe hain god is calling to be an overcomer of any fear or worry to parmeshwar hame har koi bhi prakar ke dar se aur chinta se jayvant hone wale bankar banne ka bulavat diya hai God has planned in our future only the success not the defeat to parmeshwar ne hamari zindagi mein keval jeet ko banaya hai na haar ko nahi un vetri ulla vaalkai tadupadu inda bayamum inda kavalayum yah aapki jayvant jeet jayvant zindagi ko rokna ek rokna ye rokta hai ye dar aur ये जो चिंता है மிக முக்கியமான காரியங்களில் பயத்தை சத்ரு கொண்டு வருகிறான் तो मुख्य बातों में शत्रु डर और चिंता को लाता है முதலாவது पहली बात தேவனோடு இருக்கிற அந்த உறவிலே ஒரு பயத்தை கொண்டு வந்து நம்மை பிரிக்க பார்க்கிறான் சாத்தான் तो पहली बात परमेश्वर के उस रिश्ते में डर को लाता है और हमें परमेश्वर से वो अलग करना चाहता है நல்ல புரிந்து கொள்ளுங்கள் ध्यान से सुनिए ஆண்டவருக்கு விரோதமாய் ஆதாம் பாவம் செய்த பொழுது जब परमेश्वर के विरोध में ஆதாம் பாப் करता है ஆதாம் என்ன செய்தான் ஆதாம் ने क्या किया ஆதாமும் ஏவாளும் அவர்கள் தனியா ஒரு மரத்துக்குள்ளே போய் ஒளித்துக் கொண்டார்கள் तो वे अपने आप को एक वृक्ष की छाव में एक झाड़ियों के बीच में उन्होंने अपने आप को ढक लिया ஆண்டவர் அவர்களை அந்த பகலின் குளிர்ச்சியான வேளையிலே அவர்களை தேடி வருகிறார் तो परमेश्वर ठंडक मौसम में ठंडक शाम में उनको ढूंढ के आते हैं आदामे आदामे என்று கூப்பிடுகிறார் और परमेश्वर बुलाते हैं ए आदाम आदाम பதில் கொடுக்க சொல்கிறார் आदाम जवाब देता है எங்க இருக்கிற कहां है நாங்கள் ஒளித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் வோ कहता है कि हमने अपने आप को छिपा लिया பிரித்து கொள்கிறார்கள் वह अपने आप को परमेश्वर से छिपा लेते हैं ஆண்டவர் நெருங்கி வருகிறார் लेकिन परमेश्वर करीब आना चाहते हैं அவனோடு பேசுகிறார் परमेश्वर से बात करते हैं இதெல்லாம் நடக்கிறது ये सब होता है ஆனால் இவர்கள் ஆண்டவரிடத்தில் நெருங்கி இருந்தவர்கள் இப்போ தூரம் போக பார்க்கிறார் लेकिन फिर भी अब तक जो परमेश्वर के करीब थे अब अलग होना चाहते हैं அதற்கு காரணம் என்று வேதம் தெளிவாய் சொல்கிறது अब इसके पीछे क्या वजह है ஆதியாகமம் 2 அதிகாரம் 10 வசனத்தை நீங்கள் படித்தால் புரியும் यदि उत्पत्ति का पुस्तक दूसरा अध्याय 10वां पद पढ़ेंगे ஆண்டவரே நாங்கள் நிர்வாணி என்று அறிந்ததினால் பயந்து உம்மை விட்டு தூரம் போய் ஒளித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் वे कहते हैं कि हम नंगे हैं इस बात की समझ हमने पाई है इस वजह से हमने आपको आप से छिपकर अपने आप को छिपा लिया अब कील ஆண்டவர் கேட்கிறார் நீ परमेश्वर पूछते हैं நீ நிர்வாணி என்று உனக்கு சொன்னவன் யார் परमेश्वर कहते हैं कि तू नंगा है किसने कहा
நல்ல கவனமாக கேட்கணும். தியானம் செய்ய சொன்னா வசனங்களை தெளிவாய் ஒவ்வொரு எழுத்துக்களையும் சரியாய் நாம் படித்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும். तो वचनों को ध्यान से पढ़ना है और उसे समझना चाहिए. அந்த பழத்தை சாப்பிடுவதற்கு முன்பும் அவன் நிர்வாணமாக தான் இருந்தான். वो खाने उस फल को खाने से पहले भी वो नंगा था. அப்ப இவன் நிர்வாணமாக இருக்கிறான் என்று ஏன் தெரியாதவனுக்கு இப்பொழுது எப்படி தெரிந்தது? तब जब वो उस समय में नंगा था तो उसको पता नहीं था, लेकिन अब कैसे पता चला उसे? இது ஒரு பெரிய சத்தியம். बहुत बड़ा सत्य है. இதை அறிந்தால் इसे जब समझेंगे ஆண்டவர் என்ன பிளானோடு நம்மை படைத்தார் என்பதை நீ புரிந்துகொள்ளலாம். तो परमेश्वर ने किस योजना के साथ तुम्हें बनाया? அது இருக்கட்டும். இப்பொழுது நான் நிர்வாணி என்று அறிந்து பயந்தேன். वो कहता है कि मैं नंगा हूँ इसलिए मैं छिप गया. உமகிட்ட வருவதற்கு எனக்கு பயம் உண்டாகி. परमेश्वर तुम्हारे पास आने के लिए मैं डर रहा था. अब भयम तब डर फियर डर जो है सेपरेट द रिलेशनशिप ऑफ द मैन एंड गॉड. तो ये इंसान की जो रिश्ता है प्रभु के साथ उसे अलग कर देती है. நல்ல புரிந்து கொள்ளுங்கள். ध्यान से सुनिए. தேவனோடு நாம் உறவாட முடியாமல் परमेश्वर के साथ हम रिश्ता ना बनाएं. எது நம்மை தடுக்கிறது? क्या रुकावट के तौर में रोकती है? डर जो है. ஆண்டவர் என்ன செய்வார்? परमेश्वर क्या करेंगे? அவர் என்னை அழித்து விடுவார். परमेश्वर मुझे नाश कर देंगे. परमेश्वर मुझे दंड दे देंगे. இதை குறித்து இதுக்கு பாரே ஒரு காரியத்தை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். ஒரு பாட்கோ समझना है. இன்றைக்கு ஜிஸ் தே தேவனோடு இருக்கிற அந்த உறவை நீ மறுபடி புதுப்பித்து கொள்ளும் பொழுது ஜப் ஆ பரமேஸ்வர் கே பாஸ் ஜோ ரிஷ்டா ஹே உஸே நயா பனாதே ஹே. நல்ல தெரிந்து கொள்ளுங்கள். நான் சொன்னியே இந்த பயத்தை நீ மேற்கொண்டு விடலாம். இஸ் டர் கோ தும் ஜீத் சக்தே ஹோ. சரி நீ தப்பு பண்ணிட்டே. அபி तुमने गलती की. இவன் பாவம் செய்தான். அபி இஸ்னே பாப் கியா. இவன் மன்னிப்பு கேட்டிருக்க வேண்டும். இஸ்கோ ஜாகே ஷமா மாங்கனா சே. தெரிந்து கொள்ளுங்கள். நான் சொன்னியே ஒரு கதை ஒரு சின்ன கதையை எக் கஹானி கோ ஒரு மெதுன் முதிர்ந்த பெரிய ஊழிய உலக இன்டர்நேஷனல் ஸ்பீக்கர் ஐந்த ஒரு ஊழியர் இந்த காரியத்தை சொன்னார். तो एक बहुत बड़े परमेश्वर के सेवक ने ऐसी एक कहानी को कहा. நல்ல தெரிந்து கொள்ளுங்கள். ध्यान से सुनिए. ஒரு தகப்பனுக்கு ஒரு மகளும் ஒரு மகனும் இருந்தார். अब एक पिता के पास एक बेटा और बेटी थी. அப்பொழுது तब இந்த மகன் அவன் பக்கத்து வெளியில போய் விளையாண்டு கொண்டிருந்தான். इसका बेटा जो है वह बाहर खेल रहा था. பக்கத்து வீட்டில் இருந்து அவன் கல்லை எறிந்து விளையாண்டு கொண்டிருந்தான். तो वह पत्थर को उठा के मार कर खेल रहा था. மகள் வீட்டிலே கிச்சன் வேலை எல்லாம் பாத்திரத் துடைக்க எல்லா வேலையும் செய்வாள். तो ये जो बेटी है घर में बर्तन धोती है और सभी प्रकार के घर के कामों में लगी रहती है. இவன் விளையாடுவான். ये बाहर खेलता है. இவன் கல்லறிந்து விளையாடும் பொழுது பக்கத்து வீட்டில் ஒரு வாத்து மேலே பட்டு அந்த வாத்து அப்படியே செத்து போயிடுச்சு. तो एक डक जो है वो डक के ऊपर जब ये पत्थर मार के खेल रहा था बाजू वाले उस डक के पर वो पड़ के वो डक मर चुका है. उड़ने अभी तुरंत अंदर वात सेट उड़ने जैसी वो डक मरता है अंदर मिंगु पार्टा वो इधर उधर देख रहा है. यो येन्ना सेवद. अरे मैं क्या करूं? இந்த வாத்து செத்து போயிடுச்சு. அபி ஏ ஜோ டக் ஹே இந்த விஷயம் நான் தான் இந்த வாத்தை கொன்னேன் என்று பக்கத்து வீட்டுக்காரர்களுக்கு தெரிந்தால் अगर मैंने इसको इस डक को मार दिया ये बाजू वाले घर के लोग जान ले என் தகப்பனிடத்திலே சொல்லி விடுவார். வே मेरे पिता के पास शिकायत करेंगे. என் தகப்பன் என்னை தண்டித்து விடுவார் அடித்து விடுவாரே. मेरे पिता जो है मुझे दंड देंगे मुझे मार देंगे. என்று பயந்து वो डर कर அவன் அந்த வாத்தை எடுத்து குழி தோண்டி புதைத்து விட்டான். तो वो क्या करता है उस डक को वह लेता है गड्ढा खोलता है और जमीन में गाड़ देता है. ஆனால் என்ன வேடிக்கை. लेकिन इसमें तमाशा क्या है. அவருடைய சகோதரி அதை பார்த்து விட்டா. अब இஸ்கி बहन ने इसे देख लिया. அவளுக்கு अब इसको இங்க வேலை நிறைய அம்மா கொடுக்கறாங்க அப்பா கொடுக்கறாங்க. यहां पर पिताजी जो है बहुत सारा काम देते हैं. இப்போ என்ன பண்ணலாம். अब क्या करें. தம்பி வந்தான். जब भाई आया அக்கா சொன்னாள். तो बहन कहती है பாத்திரத்தை கழுவு என்று சொன்ன. कहती है कि तू जाके इस बर्तन को धो. அதலாம் செய்ய முடியாது. वो कहता है नहीं. அதலாம் அம்மா உனக்கு சொல்லிட்டு போனா. मैंने तुझे बताया है. ये बात அப்படினா. तो वो कहती है देख वो डक को तूने मारा. बात सुनने उन्हें तिक என்று பயம் வந்தது. जब डक का नाम लिया तो इसके अंदर धड़कन आने लगी. என்ன வாச்சு. अब ये क्या डक है. என்ன நடந்துச்சு எனக்கு தெரியும். मुझे पता है क्या हुआ. அப்பாட சொல்லிருவேன். मैं शिकायत कर दूंगी. அவ்வளவுதான் பயம் அவனை crippled. तो क्या हुआ उस डर ने उसको नाकाम बना दिया. ஏனா இனி என்ன அப்பாட சொல்லிராத. अरे मेरे पिता को मत कहना. என்ன வேலை சொன்னாலும் செய்றேன். तू जो भी काम कहे मैं करूंगा.
अगला दिन वीट कूटी என்று சொன்ன वो कहती है कि घर को झाड़ू मार இப்படி ஒவ்வொரு நாளும் அவளை அவனை கடினமாக வேலையை வாங்கினா तो हर एक दिन उससे बहुत काम करवाती थी இவனுக்கு ரொம்ப சோர்வாய் அப் बहुत थक गया ये अयो எவ்வளவு விடுதலையோடு இருந்தேன் अरे मैं कितने आजादी के எவ்வளவு நல்லா விளையாடுவேன் मैं कितने अच्छे से खेलता था என்னோட சுயாதீனமா என்னோட ஃப்ரீனஸ் எல்லா ஃப்ரீடம் எல்லாம் அவள் பறித்து விட்டாளே इसने मेरी सारी आजादी को छीन ली இந்த ஒரே தவறி நிமிச்சம் मैंने एक गलती की है मुझे क्यों अपनी जिंदगी में डर के मारे बेचैन होकर जीना है ஒரு நாள் தீர்மானிச்சான் एक दिन उसने निर्णय लिया தகப்பன் வந்தார் पिता के पास आया ஓடி சென்று वो दौड़ के जाता है அப்பா விடத்திலே ஓடி கட்டி அழுதான் तो अपने पिता के पास पिता को वह हक करके गिर जाता है रोता है वो पिता पूछते हैं क्यों रो रहा है यो अप्पा इपड़ी आड़ी नडंदु विट्टद कहता है पिताजी ऐसे हो चुका है नान कोंड्र अंद 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 वाते अडित कोंड्र विट्टद मैंने उस डक को मैंने मार दिया उंगले पाक्कु पोलुदला इनकु भयमा इरुक्कुदु जब भी मैं देखता हूं तो मैं डर लगता है निंगल इन्ने अडित्तु विडुवीर्गल आप मुझे मार दें इनक अधिक तंडने कोडुत्तु विडुवीर्गल आप मुझे बहुत बड़ा एन्र भयच्चिलेये नान वाळ्ंदु दे देंगे मैं इस डर के मारे जी रहा हूं अप्पा सिरित्तु कोंडु सोन्नार पिताजी हंसकर कहते हैं डे इप्पो सोल्लिट्टल्ल अभी तूने बोल दिया इदु मुन्नाडिये सोल्लिरुक्कलामडा तू पहले ही बोल देता था इदु मुन्नाडिये सोल्लिरुक्कलामे तू पहले ही बोल देता था नाना वेर वात्तु वांगी कोडुत्तिरुप्पने तो मैं उनको और एक प्राणी खरीद के दे देता था ये இப்படி செய்தா तूने ऐसा क्यों किया சரி போ பரவால உட்ரு ठीक है कोई बात नहीं அதெல்லாம் மனசுல வைக்காத इसे मन में मत रख போய் விளையாடு जाके खेल சந்தோஷமாய் விளையாடின वो खुशी के साथ खेलने लगा மறுநாள் अगले दिन அக்கா வந்தாள் वो बहन आती है டேங்க வாடா इधर आ யவா इधर आ द பாத்திரத்தை கழுவு இஸ் த बर्तन को धो முடியாது वो कहता है नहीं ए கழுவு अरे धो இல்லனா அப்பாட்ட சொல்லிருவேன் नहीं तो मैं पिता के पास शिकायत करूंगा அப்பாட்ட சொல்லிருவேன் पिता के पास शिकायत करूंगी वो कहता है बोल ले சொல்லிக்கு बोलता है எனக்கு ஒன்னு பயம் இல்ல मुझे उनसे डर नहीं சொல்ல வார்த்தை கொஞ்சிங்களா देखा எனக்கு ஒன்னு பயம் இல்ல मुझे कोई डर नहीं நான் ஆம்பாட்ட விளையாண்டா मैं अपने आप अपने டேய் இந்த வீட்டை கூட்டு वो फिर से कहती है धमकी देती है இல்ல நான் அப்பாட்ட சொல்லிருவேன் कि देख अगर तू झाड़ू नहीं मारेगा मैं शिकायत करूंगे तो वो कहता है कि हां कर लेना बहुत हौसले के साथ था இது என்ன 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 விஷயம் தெரியுமா अब इसमें क्या हुआ அவன் மன்னிப்புக்கு அப்பாவிடத்திலே போய் தன் கவரை ஒத்துக்கொண்டது இந்த சகோதரிக்கு தெரியாது अब इस लड़के ने पिताजी के पास अपनी गलती को स्वीकार कर लिया इसके बारे में वो नहीं जानती एक योहन्ना में अंगे वसनम என்ன சொல்லுகிறது एक योहन्ना में वचन क्या कहता है अंगे நீ படிக்கும் பொழுது जब पढ़ते हैं பாவங்களை நாம் அறிக்கை செய்யும் பொழுது जब पाप को मानते हैं நமக்கு மன்னித்து விடுகிறார் तो परमेश्वर क्षमा करते हैं நம் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே பிரிய परमेश्वर के लोगों இது சபைக்குள் இருக்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு எழுதப்பட்ட வார்த்தை என்பதை முதலாவது அறிந்து को परमेश्वर ने अपने बच्चों को दिया है एक योहन्ना पहले अध्याय में सातवां पद आठवां पद यदि हम पढ़े तो समझ में आएगा वहां पर क्या लिखा गया है तो यदि हम जैसे वह ज्योति में हैं वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागित और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है अब ये शब्द किसके लिए लिखते हैं अब जो उद्धार पाए हैं कलीसिया में उनको देखकर परमेश्वर इसे लिखते हैं आठवां पद नमक पाप यदि हम कहें कि हम में पाप भी नहीं है तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम सत्य को नहीं जानते तो किसके अंदर सत्य है நான் முழுவதும் பரிசுத்தமானேன் என்று யாரும் சொல்லாதவர்களுக்கு जो कोई भी कहते हैं कि मैं पूरी तरह से पवित्र हूं जो नहीं कहते हैं ऐसे उनको ये उनके अंदर सत्य रहता है। नमल पापम இல்லை என்போமானால் நம்மை நாமே வஞ்சிக்கிறவர் यदि हम कहते हैं कि हम में पाप नहीं இது யாருக்கு சொல்லப்பட்டது धोखा देते हैं अपने தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு अब ये वचन किसको कहा गया है எப்படி நீங்கள் புரிந்து அப்படி சொல்லுவீங்க சொன்னே இரண்டாம் அதிகாரம் 1 ஆம் வசனத்துல அது சொல்றார் तो दूसरे अध्याय में அழைக்கப்படுவதனாலே
பாருங்க தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்று சொல்கிறார் தேவன் அழைக்கப்பட்ட தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு சொல்கிறார் तो परमेश्वर के जो बच्चे हैं परमेश्वर से हम बुलाए गए हैं इस वजह से हम परमेश्वर के बच्चे हैं उसकी जनता है करके लिखा गया है அப்ப தேவனுடைய பிள்ளைகள் பாவம் செய்ய முடியுமா तो क्या परमेश्वर के बच्चे पाप कर सकते हैं முடியும் என்று தான் வேதம் சொல்கிறது तो लिखा गया है कर सकते हैं ஆனால் लेकिन பாவம் செய்தால் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் நான் அந்த கதையிலே சொன்ன சம்பவம் பாப் ஜப் करते हैं तो क्या करना चाहिए यही घटना को அங்க சொல்லப்பட்டதை கவனியுங்கள் यहां पर कहा गया है தான் நமக்கு பாவம் இல்லை என்ன நாம வஞ்சிக்கிறவளா இருப்போ சத்தியம் நமக்கு இருக்காது यदि हम पाप नहीं कहते हैं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं तो लिखा गया है यदि हम अपने यानी कि एक नहीं बल्कि बहुत सारे पाप नाम அறிக்கையிட்டால் जब हम उसे स्वीकार करें நல்லா தெரிஞ்சுக்கங்க देखिए நாம் அறிக்கையிட்டால் जब हम उसे मान ले நான் சொன்ன கதை அந்த சம்பவத்தில பாருங்க அந்த பையன் போய் தகப்பனிடத்தில் தன் தவறை உணர்ந்து ஒப்புக்கொண்டு அவர் சொல்லுகிறார் அறிக்கையிடுகிறார் देखिए यहां पर वो लड़का जो है अपने पिता के पास जाकर उसे मानता है और कहता है அறிக்கையிட்டால் जब वो कहे பாவங்களை நமக்கு மன்னிச்சு பாப்போம் கோ जो क्षमा करता है எல்லா அநியாயத்தை நீக்கி நம்மை சுத்திகரித்து சுத்தம் பண்ணி हमें अर्थात सब पापों से शुद्ध करने के लिए विश्वास सहयोग और धर्मी है इदुदान नाम செய்ய வேண்டியது इस बात को हमें करना है சரி அப்படினா अगर ऐसा है ये इन सोल रहे अपनी ना क्यों मैं कहता हूं हम अपनी அறிக்கை செய்து விட்டுவிடும் பொழுது जब हम कहते हैं अंगीकार करते हैं और छोड़ देते हैं நமக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் உண்டாகும் तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है नमक को धैर्यम वरम हमारे अंदर दृढ़ता होती है इन पावंगले अवर मन्निचितारे मेरे पापों को परमेश्वर ने क्षमा कर दिया इन्हें अन्यायतेला नीकी शुद्धीकरिचितारे मेरे अन्याय को परमेश्वर ने शुद्ध कर दिया 103 ஆம் சங்கீதம் நினைக்கிற அதுல பாத்தீங்கன்னா சொல்றா என் ஆத்துமாவை கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி அல்ல சொல்லிட்டு வரும்போது என் அக்கிரமங்களை எல்லாம் அவர் மன்னிச்சு என் நோய்களை எல்லாம் குணமாக்கினார் அப்படினு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது तो 103 अध्याय भजन संहिता में मैं सोचता हूं वहां पर परमेश्वर ने मेरे सारे पापों को क्षमा करके मेरे प्राण को नाश होने से बचाया அப்ப நல்ல புரிந்து கொள்ளுங்கள் ध्यान से सुनिए நாம் பாவம் செய்து விட்டால் जब पाप करते हैं ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை என்ன செய்ய வேண்டும் परमेश्वर के बच्चे को क्या करना है என்ன செய்யாதிருந்தால் என்ன நடக்கிறது अभी क्या ना करने से क्या होता है அந்த பையனுடைய அக்காவை போல சாத்தான் உன்னை உன்னுடைய பாவங்களை உன்னுடைய தவறுகளை சுட்டிக்காட்டி உன்னுடைய ஆவிக்குரிய அந்த வல்லமை அந்த அதிலிருந்து உன்னை சோர்ந்து போக பண்ணி விடுவான் तो जैसे हमने कहानी में देखा उसकी बहन उस लड़के के बहन ने उसकी लड़के के पाप को बार बार बताकर उसे निराश करने के लिए निराश कर देती थी और बहुत थका देती थी उदास हो जाता था हम பாருங்க அவனால் ஃப்ரீயா விளையாட முடியல अब इसके कारण वह खुलेआम खेल नहीं पा रहा था அவனுடைய சுதந்திரம் பறிக்கப்பட்டு போயிடுச்சு उसका जो स्वतंत्रता थी उसे वह छीना गया है பிதா நமக்கு கொடுத்திருக்கிற அந்த மேன்மையான சுதந்திரத்தை பயம் கிரிப்பிள் பண்ணிவிடும் அப்படியே மடங்கடிக்க பண்ணிவிடும் பிதா நே ஜோ ஹமே உத்தம் एक स्वतंत्रता को दी है ये डर जो है उसे नाकाम कर देती है कोई भी काम को करने नहीं देगी ரெண்டு காரியங்களை நீங்கள் வேதத்தில் பார்க்கலாம் तो दो चीजों को बाइबल में நிறைய சொல்ல வேண்டியது இருக்குது इसके बारे में बाइबल में வருகிற நாட்களில் இத குறித்து தெளிவாய் உங்களுக்கு நான் போதிக்க முடியும் तो आने वाले दिनों में मैं इसके बारे में बहुत अच्छे से समझाना चाहूंगा ஒருவன் இயேசுவை ஏற்று கொள்ளுவதற்கு முன்பு ஏசு கோ ஜானே से पहले என்ன நடக்கிறது क्या होता है எல்லாரும் சின்ன வயசுல இருந்து ஏகப்பட்ட பாவம் பண்ணிருப்பாங்க तो सभी लोग बचपन में से बहुत सारे पापों को लोगों ने किया है இயேசுவை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளும்போது ஏதோ வழியில ஒரு சுகத்தின் மூலமா ஏதோ ஒரு அற்புதத்தின் மூலமா ஏதோ வழியில இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டு நாம் வந்து விடுகிறோம் तो हम ஏசு கோ कोई ना कोई रास्ते में से ढूंढ निकालते हैं और ஏசு के पास आ जाते हैं அவருடைய பிள்ளைகளாக மாறி விடுகிறோம் और उसके बच्चे बन जाते हैं அப்படியே वैसे நாம் பெர்ஃபெக்ட்டா வாழ்ந்து விடுகிறோமா क्या हम एक सही जिंदगी को परफेक्ट जिंदगी को जीते हैं இத நல்ல தெளிவா புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ध्यान से सुनना है இத நல்ல தெளிவாய் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ध्यान से समझना है அப்படி யார் இருக்க முடியாது तो कोई भी ऐसी ஏதோ ஒரு விதத்தில் ஒரு தவறு நீ ஆண்டவருக்கு குறுமாய் செய்து கொண்டு தான் இருக்கு कोई ना कोई तरीके से आप परमेश्वर के विरोध में कोई ना कोई गलती कर ही रहे हैं ஒருவர் செய்வதை நீ செய்யாமல் இருக்கலாம்
भले आपने उनके पापों को दूसरों के पापों को नहीं किया होगा, அவங்க செய்யாம இருக்கலாம் या फिर उन्होंने आपके पाप انا ஏதோ ஒரு விதத்தில் நீ ஆண்டவரத்தில் அதனாலதான் இந்த யோவான் சொல்கிறார் நம்மில் பாவம் இல்லை என்போமானால் சத்தியம் நமக்குள் இருக்காது तो इसीलिए யோவான் में कहा गया है यदि हम कहे कि हमारे अंदर पाप नहीं तो सत्य हमारे अंदर नहीं है वी आर मूविंग टुवर्ड्स परफेक्शन वी आर नॉट ऑलरेडी परफेक्टेड तो हम सिर्फ हम जो है उस परफेक्शन की ओर भरपूरताई की ओर जा रहे हैं लेकिन भरपूर नहीं हुए ये बात हमें सफलता की ओर दस साल पहले जैसे थे वैसे हम नहीं रह सकते लॉट ऑफ चेंजेस विल बी देयर बहुत सारी बदलावट हमारे आत्मिक जीवन में ऐसे बदलते हैं बहुत सारी गलतियां होती हैं आएगी अपनी अगर ऐसा नहीं பொய்யராக்குகிறோம் என்று அந்த ஒன்னு யோவான்ல கடைசி வசனம் சொல்கிறது तो यहां पर एक யோவான் में आखिरी वचन कहता है கடைசி வசனம் பாவம் செய்யவில்லை என்போமானால் यदि हम कहे हम में पाप नहीं है இது யாரை பார்த்து சொல்றாரு ये किसको देख के कहते हैं உலகத்தில் ரட்சிக்கப்படாதவரை பார்த்து சொல்லவில்லை तो दुनिया में जो उद्धार नहीं पाए उनको ரட்சிக்கப்பட்ட தேவனுடைய பிள்ளைகளை பார்த்து சொல்கிறார் जो उद्धार पाए हैं उनको परमेश्वर पूछते हैं பாவம் செய்யவில்லை என்போமானால் यदि हम कहे पाप नहीं करते हैं தேவனையே பொய்யராக்கி விடுகிறோமா परमेश्वर को झूठा ठहराते हैं இது நல்ல புரிஞ்சு கொள்ளுங்க इस बात को समझ आना பாவம் செய்தால் பாப் ஜெப் करते हैं என்ன செஞ்சா விடுதலை क्या करने से मुक्त उसे पहले अध्याय में परमेश्वर ने कहा जाकर प्रभु के पास उसे मान लेना इन्होर अलहान ट्रांसलेशन जोड़ दे और एक सुंदर ट्रांसलेशन कहता है when you acknowledge your sin जब आप अपनी पाप को मान लेते हैं there are difference between the confession and acknowledging तो पापों को मानना और अपने पापों को स्वीकार करने में बहुत इधर दो व्यत्यास रखे थे दो तीन चीजें हैं और ट्रांसलेशन व्हेन यू एक्नॉलेज योर सिंस जब आप अपने पाप को स्वीकार करते हैं देन ही विल फॉरगिव यू तो परमेश्वर आपको क्षमा so, करते हैं सो फॉरगिवनेस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग तो क्षमा को पाना बहुत आवश्यक और मुख्य है நம்ம வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது நம்ம மறந்துறோம் तो மூக்கு चीज को भूल जाते हैं இயேசு கிறிஸ்து சொல்லும் பொழுது இயேசு ने जब कहा ஒரு வசனத்தை உங்களுக்கு சொல்றேன் பாருங்க एक वचन को मैं कहना चाहूंगा ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ஒரு வசனம் பாருங்க பவர்ஃபுல் வசன் है இயேசு கிறிஸ்து எதை சுவிசேஷமாக அறிவிக்க வேண்டும் என்று சொன்னார் என்று வேதத்தில் நாம் பார்க்க முடியும் சுக் சமாச்சார் கி தோர் மே கிஸ்கா பிரச்சார் கர்னே பரமேஸ்வர் ने कहा நீங்க எல்லா உலகம் முழுவதும் போய் அதாவது மனம் திரும்புதலையும் பாவ மன்னிப்பையும் குறித்து சுவிசேஷமாய் பிரசங்கிங்க तो परमेश्वर ने कहा कि दुनिया भर में जाना और वहां पर मन चेले बनाने के बारे में और पापों की क्षमा के बारे में आप सुख तो इसे बहुत लूका 24 अध्याय 47 परमेश्वर ने क्या कहा सुख समाचार के तौर में लूका 24 में 47 அன்றியும் மனம் திரும்புதலும் பாவ மன்னிப்பும் எருசலேம் தொடங்கி சகல தேசத்தார் நாமத்தினாலே பிரசங்கிக்கப்படவும் வேண்டியது என்று சொல்லுகிறார் और எருசலேம் से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाए जब इसके बारे में कहा गया है तो उसमें क्या कहता है कुमारन आगे அவருக்குள் 1:14 तो पापों की क्षमा उसकी लहू के माध्यम से होती है இப்ப நல்லா புரிஞ்சு கொள்ளுங்க ध्यान से सुनिए இதத் தான் யோவான் அங்கே சொல்லுகிறார் यही बात को वहां யோவனா कहते हैं இயேசு சொன்னதை தான் பவுல் சொல்லுகிறார் இயேசு ने जो कहा उसे பவுலஸ் कहते हैं பவுல் சொன்னதை தான் யோவான் வலியுறுத்தி சொல்லுகிறார் அப்ப பவுலஸ் ने जो कहा उसे பவுல் யோவனா कहते हैं what is the main thing तो मुख्य रूप से क्या the है forgiveness from our sins that is the very very important thing परमेश्वर अपनी पापों की क्षमा को परमेश्वर से पाना பாவ மன்னிப்பு இல்லை என்றால் பரலோக ஆண்டவரோடு கூட நித்தியமாய் வாழ முடியாது பாப்போ கி क्षमा यदि नहीं है तो परमेश्वर के पास हम अनंत काल That is the very very main important thing ये बहुत मुख्य कार्य है We have to preach about the forgiveness of sins तो हमें परमेश्वर की क्षमा के बारे में That is the main gospel in the kingdom of God तो यहां पर मुख्य रूप से ये एक परमेश्वर की सुख समाचार है मुख्य समाचार है
பாவம் மன்னிப்பு இல்லை என்றால் ஜெ பாபோ கி ஷமா நஹீ ஹே நமக்குள்ளே சாத்தான் நமக்குள்ளே அந்த குற்ற சின் கான்ஷியஸை கொடுத்து நம்மை அப்படியே நம்மை கிரிப்பிள் பண்ணி விடுவான் तो हमारे अंदर शैतान हमारे विवेक के माध्यम से जो दोष होता है उसे दे देकर हमें मार देता है। அதனால தான் அந்த சின்ன பையன் அப்பாட்ட சொல்றான் तो इस वजह से लड़के उस छोटे लड़के ने अपने पिताजी के पास कहा உங்க கிட்ட வரதுக்கு பயம் वो कहता है आपके पास आने में मुझे डर लगता है। பதிலா தேவனிடத்துல வருவதற்கே நம்மை பயப்படுத்துற ஒன்று என்ன தெரியுமா அந்த குற்ற உணர்வு ஐயோ என்ன ஆகப் போகுது ஏதாகப் போகுது நமக்கு பனிஷ்மென்ட் வந்துருமே तो परमेश्वर के पास करीब आने नहीं देता है क्या ने आने नहीं देता वह विवेक का दोष जो है हमें आने नहीं देता परमेश्वर के पास आएंगे तो क्या होगा इस डर के मारे रहते हैं இப்ப அவன் மன்னிப்பு கேட்ட பிறகு जब क्षमा मांगता है कन्फेस பண்ண பிறகு जब उसे मान लेता है அதுக்கு சாத்தான் வர்றான் तो उसके पास शैतान आता है उसकी बहन आती है என்ன சொல்றா बहन क्या कहती है मिरट्रा उसे धमकी देती है பயமுறுத்துகிறா डराने நீ அனி பாவம் செஞ்ச अरे उसने நீ அனி அந்த நீ நீ வாத்த கொல பண்ண तूने उस डक को मार दिया ஆனா இப்ப இவன் எப்படி இருக்கா लेकिन अब ये कैसा है தைரியமா சொல்றான் बहुत சொல்லிக்கு दृढ़ता के साथ कहता है தைரியம் எங்க இருந்து வந்தது ये दृढ़ता कहां से आई இவன் கன்ஃபஸ் பண்ணி மன்னிக்கு பிதா என்ன தகப்பன் மன்னித்து விட்டார் என்ற அந்த நிச்சயம் வந்த உடனே இவனுக்குள்ளே தைரியம் வருகிறது பிசாசுக்கு எதிர்த்து நிற்கிறான் जैसे ही इसने अपने पापों को मान लिया और क्षमा पा लिया तो इसके अंदर एक हौसला आता है एक दृढ़ता आती है वो शैतान के विरुद्ध में उठता है சாத்தானையும் பாவத்தையும் சாபங்களை எதிர்த்து நின்று ஜெயிக்க வேண்டுமானால் உனக்குள்ளே பாவம் மன்னிக்கப்பட்டது என்ற அந்த உறுதியான நிச்சயம் வரும்பொழுதுதான் நீ எதிர்த்து நின்று ஜெயிக்க முடியும் तो तुम्हारे अंदर पापों की क्षमा और निश्चितता कब आएगी जब तुम पापों की क्षमा को पाओगे तब तुम परमेश्वर जो चीजों के विरोध में शैतान के विरोध में उठ सकते हो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो ये बहुत मुख्य है और कार्य सोल இன்னைக்கு முடிச்சிரேன் कर मैं समाप्त करूंगा நிறைய ஃபியர்ல குறித்து நிறைய விஷயம் இருக்குது और बहुत सारे डर के बारे में நான் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் இவ்வளவுதான் मैंने शुरू किया இன்னும் நிறைய விஷயம் இருக்குது और बहुत सारी चीजें இந்த கவலையை குறித்து நிறைய விஷயம் இருக்குது चिंता के बारे में இதிலிருந்து ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை நீ வெளியே வந்துட்டேனா நீ परमेश्वर के बच्चे से निकलते हो இருந்தாலும் சரி चाहे कोई भी இந்த பயமும் கவலையோடு உன்னை அது சாத்தானுடைய பயங்கரமான ஆயுதம் உன்னை அழிக்கிற ஆயுதம் அது शैतान का मुख्य हथियार भयंकर हथियार ये डर और चिंता है இதில விட்டு நீ வெளிய வந்துட்டேனா जब इससे बाहर निकलते हैं you will be an overcomer you will be a successful person तो आप एक शक्तिशाली प्रभावशाली और जयवंत व्यक्ति बनोगे நல்லா புரிஞ்சு கொள்ளுங்க ध्यान से सुनिए நீ பாருங்க எதை எடுத்தாலும் பயம் आज किसी को ले ले हम हर बात को ले பேதுரு பயந்த காரியத்தை பத்தி பாத்தீங்கன்னா அது வேடிக்கையா உங்களுக்கு சில நேர பயந்த காரியங்களை பார்க்கும்போது पत्रस जिन जिन बातों से डरता था उसे देखते ही हमें हंसी आती है हर चीज को लेके डर ऐसे एक स्वभाव के साथ चीजों को जीतना है तो आने वाले दिनों में क्या आने वाले दिन में मैंने कहा குற்ற உணர்வை சாத்தான் கொண்டு வந்து நம்மை ஆண்டவர் விட்டு பிரிப்பது மட்டுமல்ல நமக்கென்று தேவன் வைத்திருக்கிற அந்த மேன்மையான வாழ்க்கையை அனுபவிக்க விடாமல் ஆக்கி விடுவான் तो इस विवेक के दोष को लाकर हमारे अंदर शैतान परमेश्वर के विरुद्ध परमेश्वर के लिए जो जीना होता है वो महिमा की जिंदगी को जीने नहीं देता और मारी உனக்குள்ள உறுத்துதா अगर आपके मन में कुछ सोचता है हां वचिटेर का तो उसे मन में मत दबाइए go to the presence of God परमेश्वर के सम्मुख में तुरंत देवனுடைய சமூகத்திலே போய் परमेश्वर के चरणों में जाकर உண்மையாய் தம்மை தேடுகிறவர்களுக்கு परमेश्वर कहते हैं जो सच्चाई के साथ उसे ढूंढते हैं उनके पास है करीब உண்மையா कन्फेस பண்ணணும் मन की गहराई से सच्चाई के साथ करना कन्फेशन है வேடிக்கையா பண்றது அது வேற விஷயம் तो ये सब सिर्फ तमाशे के लिए करना அதை நான் சொல்லவில்லை उसे मैं नहीं कहता உண்மையா सच्चाई के साथ कन्फेस परमेश्वर के पास आप बताइए इज रेडी टू कन्फर्म रेडी टू फॉरगिव अस आपको क्षमा करने के लिए तैयार दैट इज द हार्ट ऑफ द फादर ये प्रभु का मन है इद मोदल पुरिजिटना इसे समझेंगे நீ பாவமே செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்ல உங்களுக்கு பாப் பண்ண வேண்டிய ஜரூரத் இல்ல வாட் a loving father இத்தனை பிரேமி பிரபு ஹே how can I do sin against my father तो मैं अपने पिता इस प्यारे पिता के विरुद्ध में कैसे पाप कर पाऊं many people why they are sinning क्यों मैं अपने पाप करते हूं because they don't know the depth and height and the breadth of the love of the father तो बहुत लोग परमेश्वर की ऊंचाई उस प्रेम की ऊंचाई चौड़ाई और गहराई को नहीं समझते அதனால தான் ஒன்னு யோவான்ல சொல்லப்பட்டிருக்குது யோவான் நாமே कहा गया है அன்பிலே பயம் இல்லை அப்ரேம் மே டர் நஹீ
उद्धार पाने से पहले अगर आप नहीं क्षमा मांगेंगे तो भी आपकी पाप क्षमा होगी। बाइबल में बहुत आधार है, लेकिन उद्धार पाने के बाद तुम्हें क्या करना है? अपने पाप को मानना है। அப்படி செஞ்சிட்டனா ஜப் அப் கரோகே பயத்தில் குற்ற உணர்வின் என்ற பாவம் அந்த பயத்திலிருந்து வெளியே வந்துருவே तो मन विवेक के उस दोष के आप बाहर निकल जाओगे। தேவன் உனோடு இருந்து परमेश्वर आपके साथ रहेंगे। அழகான நடத்திட்டு போ। आपको बहुत सुंदर तरीके से चलाएंगे। இங்கோடு முடிக்க போறேன். ஆ यहां पर समाप्त करना चाहूंगा। பயத்தோடு இருக்கறியா? आज डर के साथ விழுந்து போயிருவேன். आप कहते हो मैं गिर जाऊंगा। நான் ஆண்டவர்க்கா வாழ முடியாது। मैं परमेश्वर के लिए जी नहीं सकता। பயத்தோடு இருக்கறியா? डर के साथ है। डोंट एंटरटेन द फियर इन यू। तो आपके अंदर जो डर है उसे आप जगह दे। यीशु உன்னை விடுதலையாக்க முடியும். यीशु आपको छुटकारा देते हैं। यीशु உன்னை மன்னிப்பா। यीशु तुम्हें क्षमा करेंगे। यीशु உன்னை விழுந்த இடத்திலே உன்னை தூக்கி நிறுத்த முடியும். यीशु जिस जगह में तुम गिर गए उसी जगह में उठा सकता है। நீ வெட்கப்பட்ட இடத்திலே உன்னை புகழ்ச்சி கீர்த்தியுமாய் ஆண்டவர் வைப்பா। जिस जगह में आप शर्मिंदा हुए हैं उस जगह में परमेश्वर आप भरोसे के साथ उसके कदमों में आइए। अपने पापों को मानिए, ये काफी है। He will forgive your sin. आपकी सारी पापों को क्षमा करेंगे। He will refresh you. आपको परमेश्वर नया बनाएंगे। He will make you to shine in this society. आपकी इस दुनिया में संसार में ज्योति देने लगेंगे। You can shine for the Lord in the kingdom of God. के लिए चमकने लगोगे, रोशनी देने लगोगे। अनबुलांडवरे, मेरे प्रिय प्रभु, यारल्लाम इदै पार्त्तुकोंडिरुक्कार, जो कोई भी इसे देख रहे हैं, ஒவ்வொருவரையும் பிரகாசிக்க பண்ணுகிறேன், हर किसी को आप चमकाने वाले हो, இறங்குகிறது, சாமத்து தர रहा है, कुछ उनर्वील இருந்தவர்களை விடுதலையாக்கும், उनकी उस विवेक की दोष से बाहर निकालना, சத்துரு அதை வைத்து அவர்களை பயமுறுத்தி ஆண்டவருக்கு வாழ விடாமல் ஆக்குகிறான், சத்துரு உசே இஸ் காரிய கோ ரக்கர் இன்னே டராதா ஹே ஆர் तुम्हारे लिए जीने नहीं देता, யவ் எல்லோர் எழுந்திருக்கட்டும் ஆண்டவரே, சபை உடே பிரபு, கடைசி நாட்களில் சத்துருக்கு எதிர்த்து நின்று ஜெபிக்கிறவர்களாய் மாறட்டும், शत्रु के विरोध में वे उठे, इन पावंगले इन यीशु मन्नित विட்டார் என்ற உறுதியோடு எழும்பட்டும் இயேசு நாமத்தில், यीशु ने क्षमा कर दिया, उस निश्चितता के साथ वे उठे, पावंगले काटी निक ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளை மடங்கடிக்க பண்ணுகிற அந்த சத்துருவை நான் சபிக்கிறேன் இயேசு நாமத்தில், பாவம் को दिखाकर लोगों को जो अपने अंदर अपने छोड़ता है उस शैतान को श्रापित करते हैं, आपके प्रेम से भर देना, ऐसे आप करोगे, नान विश्वास, मैं विश्वास करता हूँ, यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, नल्ल पिता, हमारे अच्छे पिता, அனுகிரக பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பிதா பரமேஸ்வர் கா பிரேம் பரிசுத்த ஆவியினுடைய ஐக்கியம் பவித்திர ஆத்மா கி சங்கதி இன்றும் என்றும் சகல நாட்களிலும் ஆர் சதா காலத்திலும் இருப்பதாக தும்மாரி சாத் பனா ரஹே ஆமென் ஆமென் காட் பிளஸ் யூ மை சில்ட்ரன் ஆஷிஷ் கரேங்கே மறுபடியும் உங்களை சந்திக்கும் வரை जब तक आपसे मुलाकात न ஆண்டவருடைய கிருபை आप परमेश्वर का प्रेम आप सभी लोगों के साथ है। आप धाड़स बांधिए मेरे भाइयों,